लेकिन प्रैक्टिकल में हम ऐसा क्या करें जिससे हमको पढ़ते ही याद हो जाए। 20 बार 30 बार रटना नहीं पड़े, कॉपी लेके दिन भर घूमना नहीं पड़े, 17 बार सॉल्यूशन सॉल्व नहीं करने पड़े, एक बार में ही फिट बैठ जाए दिमाग में। स्कूल में आओ उससे पहले पढ़ के आओ, मैडम सिखावे सर सिखावे तब एक बार देख लो, और एग्जाम के समय वापस पढ़ लो। 3 बार से ज्यादा 4थी बार का कभी काम नहीं पड़े। इतना सुंदर फॉर्मूला, इतना सुंदर सूत्र हमारे गुरुदेव भगवान ने सभी विद्यार्थियों को दिया है। अनेकों विद्यार्थियों ने इसका पालन किया है और जिंदगी में उनकी काफी प्रोग्रेस हुई है। 3 छोटे छोटे काम करने कर लोगे आप लोग, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपने 6 महीने आप करके देखो, 6 महीने बाद आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड पर 15% की बढ़ोतरी जरूर हो जाएगी। सबसे पहला काम, पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी को ये तो नहीं करना है पर ये उसके तहत करना पड़ेगा, रात्रि को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह 4 बजे उठना है। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी को सुबह जल्दी उठना है मॉर्निंग में। अब सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना पड़ेगा। जो रात को 12 न 1 न 2 बजे तक जगता है वो सुबह कैसे उठ पाता है? आप में से भी बहुत सारे लोग रात को 12 12 1 1 बजे तक जगते होंगे, और क्यों जगते ये भी मैं बता दूं। दिन रात वो हाथ में चलता है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्या कहते हैं उसको, मोबाइल। मोबाइल पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को यूज नहीं करना चाहिए। जब तक बच्चे 12वीं क्लास के एग्जाम पास ना हो जाए तब तक उनको मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। संकल्प ले लेना चाहिए कि हम मोबाइल को छुएंगे भी नहीं। अब आपको क्या ऐसा क्यों बता रहे हो, मोबाइल ने ऐसा क्या बिगाड़ा कर दिया? आजकल मोबाइल के कारण बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो रही है। इसी मोबाइल के कारण आए दिन हमारे देश में विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत गेम, कुछ कुछ गेम तो आपको भी पता होंगे, ब्लू व्हेल है, पबजी है, इन गेम के कारण बहुत सारे विद्यार्थी मौत के घाट उतर चुके हैं। विद्यार्थियों को मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल निषेध कर देना चाहिए माता पिता ने। अगर आप अपने आप से प्रेम करते हो और आपके माता पिता आपसे प्रेम करते हो तो उनको घर पे जाके कह देना कि हमको मोबाइल फोन कभी भी मत देना, 12वीं के एग्जाम पास नहीं होते तब तक। आज से 5 महीने पहले अखबार में 2 इंटरव्यू छपे थे, एक मेक्याले और दूसरा इंटरव्यू था राजवर्धन सिंह राठौर। इन दोनों के इंटरव्यू में आया था, ये दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। राजवर्धन सिंह राठौड़ हमारे केंद्रीय मंत्री थे उस समय, और मेकाले एक बहुत सुप्रसिद्ध अमेरिकन सिंगर है। उन्होंने एक बात लिखी है कि हम हमारे बच्चों को मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने देते। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, कोई 6th में पढ़ता है, कोई 8th में पढ़ता है। हम हमारे बच्चों को टाइम पास करवाने के लिए उनके साथ नाच लेते हैं, उनके साथ बातें कर लेते हैं, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने देते। बच्चों मोबाइल को बहुत ही अधिक यूज नहीं करना चाहिए। मोबाइल का अधिक इस्तेमाल करने से मोबाइल फोबियो नाम की बीमारी होती है जो मानसिक हम पर असर छोड़ती है और दिमाग का संतुलन खो देती है, इसलिए मोबाइल को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और कुछ कुछ बच्चे तो फिल्म देखते हैं और कुछ कुछ देखते हैं, इसलिए देर रात तक जगते हैं, तो देर रात तक जगने का काम ही नहीं रखना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। और तीसरी बात, कुछ कुछ बच्चे देर रात तक इसलिए जगते क्योंकि रात रात भर पढ़ाई करते। ऐसा नहीं कि सभी मोबाइल ही खेलते, कुछ कुछ पढ़ाई भी करते। तो पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी को रात को 10 बजते ही किताब को बंद कर देनी चाहिए और लाइट को ऑफ कर देनी चाहिए, क्योंकि रात को 10 बजे बाद आप जो भी पढ़ते हो आपको दिमाग में नहीं बैठेगा, आप केवल मात्र टाइम पास करोगे। ये विज्ञान कहता है, मैं नहीं कह रही हूं। आप सबके घरों में घड़ियां लगी है ना, घड़ी वॉच। वैसे परमपिता परमात्मा ने हमारे दिमाग में भी एक वॉच फिट कर दी है, रिस्ट वॉच, इसको कहते हैं जैविक घड़ी।
ये रात को 10 बजे बाद डीएक्टिवेट हो जाती है और रात को 10 बजे बाद नींद को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स स्रावित हो जाते हैं और जो बच्चा रात को 10 बजे बाद पढ़ता है, एक तरफ तो नींद के हार्मोन्स और दूसरी तरफ पढ़ाई के हार्मोन्स एक दूसरे पर टकराते हैं और बच्चा अवसाद का शिकार हो जाता है। आज भी सबसे ज्यादा देर रात तक पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी कोटा में है और कोटा जिला जो है हमारे राजस्थान का, उसकी हालत आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। साल में 4-5 खबरें तो आ ही जाती है कि फलाना विद्यार्थी ने आत्महत्या कर ली, फलाना विद्यार्थी ने आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या कोटा में इसलिए होती है क्योंकि बच्चे वहां देर देर रात तक जग जग के पढ़ाई करते, वो अवसाद के शिकार हो जाते। इसलिए रात को 10 बजे आराम से सो जाओ, सुबह 3 बजे भी उठ सकते। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के एक लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाना चाहिए जल। अब आपको कि हमको ऐसी बुड्ढों की बातें क्यों बता रहे हो, ये तो बुड्ढे लोग करते हैं, हम तो यंगस्टर हैं, हमको क्यों बता रहे हो? ये आपको इसलिए बता रहे क्योंकि आपकी बुद्धि बढ़े। इस संसार में ज्ञान के देवता कोई है तो वो सूर्य भगवान है। आप लोगों को हनुमान चालीसा आती है क्या? हनुमान चालीसा की फर्स्ट लाइन क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण। हनुमान जी ज्ञान के सागर है और हनुमान जी को ज्ञान कहां से मिला है? हनुमान जी के गुरु जी कौन है? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान बुद्धि के देवता है और जो बच्चा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाता है उसकी बुद्धि बढ़ जाती। दो कारण है। पहला कारण, एक बात बताओ बच्चों, सूर्य नारायण भगवान की कुल कितने किरणें होती है? 7 किरणें होती। बिल्कुल सही कहा। कुछ कुछ ही बच्चे पढ़ाई करते, कुछ कुछ तो केवल टाइम पास करते हैं। यहाँ पर भी 7 किरणें होती है। ये सभी सूर्य नारायण भगवान के रंग है जो आपको भी पता है, केसरिया है, पीला है। और ये एक बात कहता है विज्ञान, आपको विज्ञान में सिखाया होगा, लेकिन हमारा जो अध्यात्म है वो कहता है कि सूर्य नारायण भगवान की कुल 8 किरणें होती है। 8वीं किरण जो है उसका नाम है धर्मेष्टि किरण। ये कुछ ही समय के लिए आती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और जो बच्चा धर्मेष्टि किरण के सानिध्य में सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है उसकी बुद्धि जो है वो प्रखर हो जाती है। इसलिए पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी ने सुबह एक लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ाना चाहिए। और दूसरा कारण, सूर्य भगवान बुद्धि के देवता है। हनुमान चालीसा में लिखा है कि सूर्य नारायण भगवान ऊपर गए हनुमान जी और सूर्य भगवान को ग्रहण किया। लील्यो ताहि मधुर फल जानू, बहुत ऊंचाई पर जाके उन्होंने सूर्य भगवान को ग्रहण किया। इसका अर्थ है कि उन्होंने सूर्य भगवान को गुरु बनाया था। इस धरती पर जो भी है बच्चों, वो सूर्य भगवान की देन है। एक बात बताओ, सबसे ज्यादा विटामिन डी कौन सी सब्जी में होता है? सबसे ज्यादा विटामिन डी किसमें होता है? पढ़े नहीं हो, बस टाइम पास करते हो, भैंसों का दूध पीते हो, स्कूल में ध्यान नहीं देते हो। विटामिन डी सब्जी में नहीं होता है, सूर्य भगवान के प्रकाश में होता है। अब बताओ, हम बैठे पोखरण में, सूर्य नारायण भगवान है इतने ऊंचाई पर, तो यहाँ पर कैसे आ रहा है ये विटामिन डी? ये ऊपर से तो आ रहा है ना मामला, इसलिए ज्ञान भी ऊपर से आएगा, चिंता मत करना। एक लोटा जल सुबह सूर्य नारायण भगवान को जरूर चढ़ाना। एक मंत्र है, आदि देव नमस्तुभ्यम प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकराय नमस्तुभ्यम प्रभाकराय नमस्तुते। याद नहीं रहे तो हम सूर्याय नमः भी बोल सकते। सूर्य नारायण भगवान के जितने नाम आपको याद है वो भी बोल सकते हो। दूसरा काम, फिर गाय माता जी की 7 परिक्रमा करके एक रोटी गौ माता को जिमा के एक मंत्र बोलना है, गुरु गृह गय हूं पढ़ने रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। ये रामचरितमानस की चौपाई है। राम जी भी जब पढ़ाई करने के लिए गए थे ना, हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए
तो अभी एक फील्ड में भी हमने कुछ प्राप्त नहीं किया। राम जी 6 साल के थे तब तो पढ़ने के लिए गए थे, 12 साल के नहीं हुए तब तक सारी विद्याओं को प्राप्त करके आ गए। हम तो 20 साल के हो जाते तब जाके एक ही फील्ड में डिग्री डिप्लोमा प्राप्त कर पाते, लेकिन राम जी तो आयुर्वेद भी सीख गए, धनुर्विद्या भी सीख गए, घुड़सवारी भी सीख गए, गणित भी सीख गए, खगोल शास्त्र भी सीख गए, सब कुछ सीख गए, क्योंकि वो गौ माता की सेवा करते थे। राम जी एक मंत्र बोलते थे, गुरु गृह गयो हूँ पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। और तीसरा छोटा सा काम, श्रावण महीना छोड़ के अन्य 11 महीने बच्चे गाय माता जी का दूध पी के सोए। श्रावण में दूध नहीं पीना चाहिए, अभी सावन चल रहा है, कितने बच्चे दूध पीते, जरा हाथ ऊपर करना। ये तो गलत बात है, सावन में तो दूध पीना ही नहीं चाहिए, छूना ही नहीं चाहिए। हाथ नीचे कर लो, सावन में दूध क्यों नहीं पीना चाहिए? विज्ञान कहता है कि श्रावण में हरित तत्व ज्यादा होता है, वात तत्व ज्यादा बढ़ता है, और सूर्य वात तत्व का अधिक सेवन करने के कारण बुद्धि के टिश्यू जाम हो जाते हैं और घुटनों के लिगामेंट्स खराब हो जाते हैं। इसलिए हमारे पूर्वज जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बताया कि श्रावण का दूध किस पे चढ़ा दो? शिवजी पे चढ़ा दो। लेकिन हम शिवजी का भी दूध पी गए और बुद्धि को भ्रष्ट कर गए। सावन में दूध नहीं पीना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी माताएं आती कि महाराज हमारा बच्चा जो है खूब पढ़ाई करता है, आप कहते हो गाय माता का दूध पियो, 12 महीने गाय माता का दूध पीता है, लेकिन उसकी दिमाग नहीं चलता, क्या बात है? तो माई एक प्रॉब्लम हो गई ना, उसने 12 महीने गाय माता जी का दूध पिया, दूध तो 11 महीने पीना चाहिए। मत्स्य पुराण के 36वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी ये बात लिखी है, श्रावणे वर्ष्येत क्षीरम दधि भाद्रपदे तदा, श्रावण में दूध मत पियो और भादवे में दही मत खाओ। इन 3 नियमों का पालन हमने जो आपको अभी बताया, सुबह जल्दी उठ के क्या करना चाहिए और फिर सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाना है, जल चढ़ाना है। दूसरा काम, परिक्रमा करके मंत्र बोलना है, गुरु गृह गए हूँ पढ़ने रघुराई अल्पकाल विद्या सबाई। और तीसरा काम, रात को सोते समय गाय माता जी का दूध पी के सोना है। कौन सा महीना छोड़ के? श्रावण अभी चल रहा है उसको छोड़ के। आप बच्चे अगर 60-65 पर अटके हुए हैं तो 80-85 पर चले जाओगे, 70-75 तक आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है तो बच्चों आप बोर्ड में भी आ जाओगे। अगर 6 महीने तक इन नियमों का पालन किया तो बोलो गौ माता की